welcome to the class of ugcnet paper 2 subject commerce we have. and today's topic from unit 2 is environmental audit and safety audit. right, today we will also discuss two major types of audit. that is a very new concept. in earlier session, i also did the same thing. we discussed two new topic, new kinds of audit. and here also, to, again, we will discuss two.

एज़ आई टोल यू इसमें भी हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं रिव्यू करते हैं इंस्पेक्शन करते हैं इवेलुएशन करते हैं एंड दीज आर इंटेंडेड टू डैश इन्वायरमेंटल कॉम्पलाइंस क्या चेक करने के लिए टू आइडेंटिफाई ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या जो भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हमारी ड्यूटीज़ हैं ऑब्लिगेशंस हैं हम उनको प्रॉपरली कॉम्प्लाई कर रहे हैं क्या नहीं फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं एंड मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन गैप्स कि जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है क्या वो इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं अलोंग विद रिलेटेड डैश एक्शन हाउ विच एक्शन दैट आर करेक्टिव एक्शन सो बेसिकली इन्वायरमेंटल ऑडिट का मतलब क्या होता है कि ऐसी इंस्पेक्शन ऐसी इवेल्यूएशन करना एक मैनेजमेंट के अंदर कि वहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट के प्रति एक मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है उनको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं और जो वहाँ की मैनेजमेंट है उनको इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं अलोंग विद रिलेटेड करेक्टिव एक्शंस जो भी एक्शंस लेने हैं वो करेक्ट स्टेज पर राइट right टाइम पर राइट right जगह पर जा रहे हैं क्या नहीं All right, देन द नेक्स्ट थिंग इज देयर आर जनरली ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट अगर हम देखें जो ये हमारी environment ऑडिट है इसमें दो तरीके की ऑडिटिंग की जाती है द वेरी फर्स्ट इज compliance ऑडिट means जिसमें हम ये चेक करते हैं कि properly जितने भी मेजर्स हैं उनको comply किया जा रहा है कि नहीं मेजर्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं दैट वन ऑडिट एंड नेक्स्ट इज मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट सिस्टम को चेक किया जाता है कि क्या यहां पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं ऑल सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट अंडर इन्वायरमेंटल ऑडिट नेक्स्ट थिंग व्हाट इट से द टर्म प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं एन्वायरमेंट ऑडिट में आपको वर्ड देखने को मिलेगी प्रोटोकॉल और इसके रिगार्डिंग एम सी क्यू यू जी सी नेट में आया है रिमेंबर स्टूडेंट्स तो देखो अब कितनी डीपली क्वेश्चन आ जाता है यू कांट स्किप एनी वर्ड एनी सेशन द टर्म प्रोटोकॉल मीन्स द चेकलिस्ट ऐसी चेकलिस्ट होती है दैट इज़ यूज बाय एनवायरमेंटल ऑडिटर्स जो इन्वामेंट से रिगार्डिंग ऑडिट करते हैं इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स उन्हें बोलते हैं और वो इस प्रोटोकॉल को एक चेकलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं एज द गाइड फॉर कंडक्टिंग ऑडिट एक्टिविटीज़ जो भी ऑडिट एक्टिविटीज़ इन ऑडिटर्स द्वारा परफॉर्म की जाती है उसको एक सर्टेन लिस्ट के साथ मैच करके देखा जाता है और वो लिस्ट क्या होती है प्रोटोकॉल्स उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग आप हर ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंटल ऑडिट करते हो

वन और मोर पीपल विल डैश डेटा विल गैदर द डेटा ऐसे डेटा को गैदर किया जाता है ऐसे डेटा को इकट्ठा किया जाता है रिलेटेड टू एफिशियंसी रिलायबिलिटी इफेक्टिवनेस ऑफ देयर हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम ओके ऑडिट में क्या चेक किया जाता है इस ऑडिट में कि बहुत सारे लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाता है जिससे चेक किया जाता है कि वो कितने एफ़िशियंट हैं कितने रिलायबल हैं उनकी हेल्थ के बारे में कितना ध्यान रखा जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में और उनके लिए क्या क्या सेफ्टी सिस्टम्स हैं जैसे हम फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा के चलते हैं प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम होता है पोल्यूशन नहीं होता हार्मफुल इन्वामेंट नहीं होता अगर फैक्ट्रीज़ में हार्मफुल केमिकल या प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं तो उनका प्रॉपर एमिशन सिस्टम है कि नहीं ये सेफ्टी ऑडिट में चेक किया जाता है कि वहाँ के एम्पलॉज़ वहाँ के पीपल कितने हेल्दी हैं कितने एफिशिएंट हैं और उनके अगेंस्ट कितने सेफ्टी मेजर्स एक फॉर्म में लगाए गए हैं डन इट हेल्प्स टू डिटरमाइन इफ़ कंपनीज डे टू डे एक्टिविटीज़ आर इन डैश आर इन हाउ इन कंफर्मिटी इसमें मेन ये चेक किया जाता है कि एक कंपनी की जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी कंफर्म है कितनी मैच करती हैं सेफ्टी एफर्ट्स को सेफ्टी मेजर्स को अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ही डेंजरस है ओके okay, हार्मफुल है और उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा या ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा कि उसको कंट्रोल कर सके तो ये ऑडिट में दिखाया जाएगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी सो मच हार्मफुल फॉर द पीपल ऑफ़ दैट ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी ऑडिट एक कंप्लीट पिक्चर दे देता है एक ऑर्गेनाइजेशन की कि हाउ मच इट्स सेफर फॉर एनी पर्सन इफ़ ही वर्क एट दैट लेवल अगर फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा तो वो कितना सेफर रहेगा अगर उसकी एक स्किल्ड जॉब होगी तो वो कितना एफिशिएंट होगा सिटिंग जॉब होगी तो कितना एफिशिएंट होगा आपको ये सब आइडिया सेफ्टी ऑडिट से मिल जाता है राइट नाउ मूविंग टू द अनदर थिंग रीजंस फॉर कम्प्लीटिंग अ सेफ्टी ऑडिट क्यों हम सेफ्टी ऑडिट को चाहते हैं क्यों सेफ्टी ऑडिट ऑडिट के साथ कंप्लाई करना पड़ता है व्हाई दिस टॉपिक इज़ नाउ बिकमिंग सो हॉट व्हाई सेफ्टी ऑडिट इज सो नेसेसरी व्हाई दिस न्यू कंसेप्ट केम इनटू टू सेफ्टी ऑडिट क्यों आए पहले तो सेफ्टी ऑडिट का कोई नाम भी नहीं जानता था तो इसके पीछे बहुत से कारण रहे हैं द वेरी फर्स्ट इज़ लेजिटिव रिक्वायरमेंट्स हमारे लेजिस्चर ने पार्लियामेंट ने ही कुछ कानून ऐसे पास किए हैं जिसमें वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करना हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है दे हैव टू फॉलो ऑल द प्रिंसिपल्स लाइक अपनी फैक्ट्रीज़ एक्ट पड़ा होगा इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट तो उसमें जितने भी प्रोटो लाइक रूल्स हैं रेगुलेशन्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही एक फैक्ट्री को फॉलो करना पड़ता है यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दैम और अगर आपके चेकिंग के ड्यूरिंग सुपरविजन के ड्यूरिंग कोई भी ऐसी दिक्कत या डेंजरस थिंग अराइज हो जाती है तो आपकी फर्म या फैक्ट्री को वहीं शट डाउन कर दिया जाता है यू हैव टू पे अवज पेनालिटी फॉर दैट सो दैट्स वाई सेफ्टी ऑडिट इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब लेजिसलेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक डेंजरस फॉर्म को या जहाँ पर कैमिकल हजारड केमिकल यूज होता है उनको सेफ्टी ऑडिट करवाना ज़रूरी है द अनदर थिंग इज सेफ्टी कंसर्न अपनी पर्सनल सेफ्टी को सोच के भी हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एच आर को देख कर वहाँ के एम्प्लॉज़ जो वर्क कर रहे हैं उनके बारे में पर्सनल के बारे में सोच कर सेफ्टी कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ्टी ऑडिट करवाती है थर्ड इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरीज़ सेफ़्टी ऑडिट आपको एक ऐसी पिक्चर दे देती है जिससे आपको ये आइडिया मिल जाता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में कितने इंजरीज़ कितना डेंजर कितना हजार्ड होने वाला है तो उन इंजरीज के अगेंस्ट आप पहले से ही स्टेप ले लेते हो जो कि उनको प्रोटेक्ट या मिनिमाइज करने में हेल्प करती है द अनदर थिंग इज सेफ्टी कल्चर सेफ्टी कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करवाने के लिए भी कि वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी है एक एश्योरेंस देने के लिए एक ट्रस्ट बनाने के लिए भी सेफ्टी ऑडिट इज वेरी नेसेसरी ऑल राइट सो दीज टू टाइप्स ऑफ ऑडिट दैट वी कवर टूडे एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग स्टे ट्यून्ड फॉलो इट एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू